अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप अपने खाते में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो आप बिना ब्रांच जाए घर बैठे अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। स्टेट बैंक में मोबाइल नंबर को अपडेट करने की दो कंडीशन है। अगर आपका पुराना नंबर स्टेट बैंक में पहले से लगा हुआ है और वो नंबर आपके पास चालू है, तो आप मोबाइल नंबर को ऑनलाइन घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐड नहीं है, और या जो मोबाइल नंबर ऐड है वो आपका बंद हो चुका है या उसका एक्सेस आपके पास नहीं है, तो फिर आपको ब्रांच जाकर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कराना होगा। हमारे पास पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल नंबर मौजूद है, लेकिन हम दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से हम अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग की वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए आपके पास SBI की नेट बैंकिंग होनी चाहिए। अगर आपने नेट बैंकिंग में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करके आप नेट बैंकिंग की ID पासवर्ड को ले सकते हैं, और ID पासवर्ड को लेकर आप फिर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। मोबाइल नंबर को यहाँ से अपडेट कराना बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर आपको KYC का फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पर टाइम लगता है और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट होता है। लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू आप बिल्कुल आसानी से बिना ब्रांच जाए अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर पाएंगे। हमारे पास पहले से SBI की यूजर नेम और पासवर्ड है, तो यहाँ पर हम अपनी यूजर ID डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा कोड पर क्लिक करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाता है। OTP हमने यहाँ पर फिल कर लिया है, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप SBI की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको ऊपर दिखा दिया जाएगा। मेरे यहाँ पर दो अकाउंट नंबर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक मेरा सेविंग अकाउंट है और दूसरा मेरा यहाँ पर PPF अकाउंट है, और नीचे मेरे यहाँ पर एक लोन की डिटेल्स है। अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होगा तो यहाँ पर आपको केवल एक अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। ऊपर यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम ईमेल आईडी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। आज मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रोसेस जानते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल वाला आपको सेक्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर माय प्रोफाइल वाला आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड मांगा जाता है। अगर आप SBI की नेट बैंकिंग को यूज करते हैं तो आपको पता होगा SBI का एक प्रोफाइल पासवर्ड होता है, तो वो प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद आपकी सभी पर्सनल डिटेल आपके सामने आ जाती है, जो भी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। आपका नाम आ जाएगा, आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ पर सभी डिटेल आ जाएगी। अगर आप ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहते हैं तो चेंज वाला यहाँ पर ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करके आप ईमेल आईडी को भी अपडेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस नंबर को हमको अपडेट करना है तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको ऑफलाइन वाला फॉर्म मिलेगा, दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पर आपको ब्रांच जाने का ऑप्शन मिलेगा, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ATM के थ्रू, यानी आप अपने ATM कार्ड के थ्रू अपने मोबाइल नंबर को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से मोबाइल नंबर अपडेट करने का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है, न्यू वाला, जो भी मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको दोबारा फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ अगला पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल थ्रू ATM, यानी जो आप यहां से मोबाइल नंबर की अपडेट की रिक्वेस्ट डालेंगे ये हमारी ATM मशीन के थ्रू अप्रूवल होगी। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किस अकाउंट में मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे यहाँ पर दो अकाउंट है, अगर आपको केवल सिंगल सेविंग अकाउंट होगा तो यहाँ पर एक ही आएगा। मैं अपने सेविंग अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपके ATM कार्ड है वो सभी आ जाएंगे। जो भी ATM कार्ड आपका एक्टिव होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो भी एक्सपायर कार्ड होगा वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। तो हमारा ATM कार्ड जो एक्टिव होगा उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ATM के थ्रू ही हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करना है। आपके जो कार्ड के नंबर है ऊपर यहाँ पर आ चुके हैं, और आपका जो भी नाम हो बैंक में वो यहाँ पर आपको डाल देना है।
कार्ड की एक्सपायरी डेट और ईयर क्या है वो आपको एटीएम कार्ड से देखकर यहाँ पर डालनी है। आपके एटीएम कार्ड का जो भी पिन है वो यहाँ पर आपको डालना है। पिन डालने के बाद ये कैप्चा कोड दिखाया गया है, इसको यहाँ पर फिल करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट करने की जो आपकी रिक्वेस्ट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू कम्प्लीट हो जाएगी और जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपने डाला है उस पर एक 10 डिजिट का नंबर जाएगा जिस नंबर के थ्रू आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि एटीएम मशीन में जाकर मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने जो रिक्वेस्ट पूरी की है वो आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी और 10 डिजिट का एक नंबर आपके मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने नजदीक के किसी भी SBI ATM की ब्रांच में जाना है। ATM में जाने के बाद आपका जो भी ATM कार्ड होगा वो आपको मशीन में एंटर करना है। जैसे ही कार्ड आप मशीन में एंटर करेंगे तो वहां पर आपके सामने लैंग्वेज वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सी भाषा में ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पर इंग्लिश भाषा को सिलेक्ट किया है। भाषा को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपसे ATM कार्ड का पिन मांगा जाएगा, तो जो भी आपका ATM कार्ड का 4 नंबर का पिन हो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। पिन डालने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग वाला, तो बैंकिंग वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। बैंकिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने अलग अलग ऑप्शन दिखा दिए जाएंगे, तो एक ऑप्शन आपको फिर से मिलेगा सर्विसेज वाला, तो सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बहुत सारी अलग अलग सर्विस ओपन हो जाएगी। इन सर्विस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर सर्विसेज का, तो अदर सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर सर्विस वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और उसमें कुछ ऑप्शन होंगे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होगा इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल, यानी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपने मोबाइल नंबर की जो रिक्वेस्ट डाली है उसको यहाँ से आप अप्रूवल करेंगे, तो इसी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे 10 डिजिट का जो नंबर आपके पास आया है, इस नंबर को हम बोलते हैं IRATA नंबर, तो इसी नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इस नंबर को जैसे ही आप डाल देंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन हो जाएंगे, इफ करेक्ट और इफ नॉट करेक्ट। तो हमारा 10 डिजिट का जो यहाँ पर नंबर है ये हमारा सही है क्योंकि हमने मोबाइल में से देख के डाला है, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो मशीन के थ्रू अप्रूवल हो जाएगी और हमारा मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट में अपडेट हो जाएगा बिना ब्रांच जाए, बिना किसी फॉर्म को भरे। वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसलिए मैं प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करना है। इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट को यहाँ पर डालना है, अपने ATM कार्ड की डिटेल को फिल करेंगे और वहां से आप एक रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे। रिक्वेस्ट को जनरेट करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं उसमें यहाँ पर आपका 10 डिजिट का रेफरेंस नंबर आएगा। 10 डिजिट का जब रेफरेंस नंबर आपके पास आ जाएगा तो आपको अपने ATM कार्ड को लेकर ATM मशीन में जाना है और मशीन में जाकर आपको उसका अप्रूवल करा लेना है, और अप्रूवल होते ही आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।